रूस यूक्रेन के युद्ध के मैदान से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। दरअसल इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि रूस नॉर्वे के फाइटर जेट आमने सामने आ गए। बैरेंट्स सागर में आमने सामने आए ये दोनों जेट। रूस के मिग 31 ने नॉर्वे का विमान खदेड़ दिया। किस तरह से रूस के मिग 31 ने नॉर्वे के विमान को खदेड़ा, देखिए आमने सामने आए विमान और उसके बाद रूस के विमान ने, मिग 31 ने नॉर्वे के विमान को एयर स्पेस से बाहर का रास्ता दिखाया। फिनलैंड के बाद अब स्वीडन भी नेटो में शामिल होने की संभावना प्रबल कर चुका है। हालांकि पूरे प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगेगा मगर देर सवेर ही सही, स्वीडन अब हर हाल में नेटो का 32वां मेंबर बनेगा जो रूस के लिए खतरे का सिग्नल है। ऐसे में जब आशंका यह जताई जा रही है कि पुतिन का सारा फोकस अब स्वीडन पर है और स्वीडन के संपूर्ण विनाश की तैयारियां रूस में शुरू भी हो चुकी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि स्वीडन का नामो निशान मिटाने के लिए पुतिन बैटल ऑफ पोल्टोवा के पार्ट 2 का भी आगाज कर सकते हैं। 1314 साल पुराने जंगी इतिहास को एक बार फिर दोहरा सकते हैं। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या पुतिन का फोकस यूक्रेन के बजाय अब स्वीडन पर शिफ्ट होने वाला है? क्या रूसी डिफेंस के विनाशक प्रहार से स्वीडन का कोना कोना दहलने वाला है? जो हश्र यूक्रेन का हुआ क्या उससे भी ज्यादा भयावह मंजर स्वीडन में होने वाला है? बाल्टिक सी के पश्चिमी छोर पर बसा ये मुल्क तबाह होने वाला है? दुनिया के नक्शे से स्वीडन का नामो निशान मिटने वाला है? ये सवाल जहन में यूं ही नहीं उठ रहे। दरअसल इसके पीछे की वजह है नेटो समिट के दौरान स्वीडन को लेकर बड़ा फैसला होना। वो ये कि देर सवेर ही सही मगर स्वीडन अब नेटो का 32वां सदस्य बन सकता है। रूस यूक्रेन जंग में सीधी एंट्री मार सकता है क्योंकि तुर्की ने स्वीडन की सदस्यता को लेकर सहमति जता दी है। बस इसी के चलते अब यह आशंका जताई जाने लगी है कि स्वीडन पर जल थल नभ से प्रहार हो सकता है। पुतिन के न्यूक्लियर प्रकोप से बाल्टिक सी दहल सकता है। ऑपरेशन पोल्टोवा 2.0 का आगाज हो सकता है। जितनी खुशी स्वीडन को नेटो में शामिल होने की है उससे कई गुना ज्यादा गुस्से में रूसी प्रेसिडेंट पुतिन हैं, क्योंकि फिनलैंड के बाद स्वीडन का नेटो में जाना यानी बाल्टिक सी में रूस का दबदबा कम होना। इतना ही नहीं, बाल्टिक सी में रूस के खिलाफ घेराबंदी भी होना है, क्योंकि स्वीडन अगर नेटो में शामिल हो गया तो फिर बाल्टिक सी में रूस का कुल कोस्टल एरिया करीब 512 किलोमीटर का है। ऐसे में सीधे तौर पर नेटो की पहुंच बाल्टिक सी के काफी बड़े हिस्से में हो सकती है। इतना ही नहीं, बाल्टिक में मौजूद रूस के दो बड़े मेनलैंड को भी निशाना बनाया जा सकता है। पहला सेंट पीटर्सबर्ग जो कि फिनलैंड से सटा शहर है और ये रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का होमलैंड भी है, और दूसरा कैलिनिनग्राद जो कि बाल्टिक सी के दक्षिणी छोर पर मौजूद है और इसे रूस की सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी के नाम से जाना जाता है।
बस इसी बात से रूस भड़का हुआ है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तो सीधे तौर पर स्वीडन को धमकी तक दे दी है। геополитические условия нам удается поддерживать положительную динамику взаимной торговли. По итогам прошлого года तो क्या स्वीडन पर कब, कहां और कैसे हमला करना है, इसकी तैयारी रूसी डिफेंस कर चुका है? क्या सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर कैलेरिन ग्राद तक रशियन नेवी ने अपनी बाल्टिक फ्लीट को एक्टिव कर दिया है? क्या स्वीडन का कोना कोना रूसी मिसाइलों के टारगेट पर सेट हो चुका है? फिलहाल इस पर सस्पेंस है, मगर एक बात शीशे की तरह साफ है, वो ये कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन 314 साल पुराने इतिहास को फिर से दोहराने की तैयारी में है। और इस बार स्वीडन के खिलाफ बाल्टिक सी में बैटल ऑफ पोल्टोवा 2.0 का आगाज कर सकते हैं। July 17, 1709 करीब 314 साल पहले इसी तारीख को स्वीडन और रूस में भीषण जंग हुई, जिसे बैटल ऑफ पोल्टोवा के नाम से जाना जाता है। जानते हैं ये जंग रूस और स्वीडन के बीच क्यों हुई? ब्लैक सी पर कब्जे के लिए। दरअसल ब्लैक सी पर कब्जे के लिए स्वीडन ने युद्ध का आगाज किया। स्वीडिश सेना के 24,000 जवानों ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। उस दौरान यूक्रेन यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का हिस्सा था। स्वीडिश किंग चार्ल्स ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया, लिहाजा रूसी शासक पीटर द ग्रेट ने जंग का ऐलान कर दिया। रूस के 42,500 जवानों ने स्वीडिश सेना पर धावा बोला। उस दौरान भी सोवियत संघ की फौज स्वीडन की सेना पर भारी पड़ी, क्योंकि रूस की सेना के पास 102 से ज्यादा गन्स थी। बस फिर क्या, ब्लैक सी पर कब्जे को लेकर हुए बैटल ऑफ पोल्टोवा को रूस ने जीत लिया। और अब उसी स्वीडन के खिलाफ पुतिन ऑपरेशन पोल्टोवा 2.0 का आगाज कर सकते हैं। स्वीडन पर तीनों वॉर फ्रंट यानी जल थल नभ से प्रहार कर सकते हैं। और मुमकिन यह भी है कि स्वीडन के साथ साथ यूरोप के बाकी मुल्क भी पुतिन के एटमी प्रकोप की चपेट में आ सकते हैं। स्वीडन को अगर नेटो की सदस्यता मिलती है तो एक बात साफ है, स्वीडन का वजूद तो खत्म होगा ही, इसके साथ साथ पूरे यूरोप के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। आज नहीं तो कल स्वीडन को नेटो की सदस्यता देकर अगर अमेरिका और पश्चिमी देश छाती चौड़ी कर रहे हैं, स्वीडन के जरिए रूस को चौतरफा घेरने का प्लान बना रहे हैं, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि अगर पुतिन का माथा ठनका तो यूक्रेन स्वीडन तो छोड़िए, महाशक्ति अमेरिका भी पुतिन के तांडव से बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।